हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। नाना पाटेकर जब से एग्जिट हुए हैं हाउसफुल 4 से, तब से ये खबर आ रही कि कौन होगा नाना का रिप्लेसमेंट। जी हाँ, अफकोर्स फिल्म तो शूट हो गई है, उनका पार्ट तो शूट हो ही गया है, 6 दिन का जो था, 6-7 दिनों का, राजस्थान में। अब जहां पे वो गजल सिंगर का रोल प्ले कर रहे थे, और उनका अगर सीन चौपट हो गया पूरी तरह से, यानी कि खत्म हो गया, निकाल दिया गया फिल्म से, तो उनके रिप्लेसमेंट में किसी और को तो लाने की बात होगी ही, सीधी सी बात है। ऐसे में दो नाम बहुत ही ज्यादा सामने आ रहे हैं, एक नाम है संजय दत्त और दूसरे नाम है अनिल कपूर साहब। तो अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और संजय दत्त में से कौन से बंदा वो ये रोल प्ले करेगा, इसमें अगर बात करें तो पिंक विला की रिपोर्ट को अगर थोड़ा सा मद्देनजर रखे या फिर ध्यान दे, तो उसमें साफ लग रहा है कि नाना पाटेकर का रिप्लेसमेंट के लिए अनिल कपूर एक बेटर चॉइस लग रहा है। फराद शमसी जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर ने बने रही, और यहाँ पर संजय दत्त शायद बिजी है या उनके और प्रोजेक्ट्स जो भी है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि नाना पाटेकर के रिप्लेसमेंट में संजय दत्त शायद मुश्किल है, और एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर अनिल कपूर हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में नाना पाटेकर का जो रिप्लेसमेंट है वो अनिल कपूर बेहतर तरह से कर पाएंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। और ऑफिशियल कन्फर्मेशन जैसे भी होगा मैं जरूर बताऊंगा। और ये भी खबरें आ रही कि 6 दिनों का शूट है वो प्रॉपर तरह से वापस से रीशूट होगा राजस्थान के जैसलमेर में। देखते हैं, जो भी अपडेट्स होगी मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर है, क्योंकि फिल्म काफी ज्यादा हाईलाइट में है, चाहे वो पॉजिटिव चीज हो चाहे नेगेटिव चीज के लिए, और एक साजिद खान को निकाल दिया गया है फिल्म से, नाना पाटेकर को निकाल दिया गया, तो ऑफकोर्स इसी बात है फिल्म लाइमलाइट में तो रहेगी, लेकिन इतना साफ है कि फिल्म डिले नहीं हो रही है, फिल्म अपने तय समय पर चल रही है। लेकिन हाँ, ये 6 दिन का शूट तो होगा ही होगा। अब देखते हैं नाना पाटेकर के रिप्लेसमेंट में अनिल कपूर नजर आते हैं या संजय दत्त, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा भी मानना है अनिल कपूर विल बी द बेटर चॉइस, ऐसा मुझे भी लग रहा है, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए फिलहाल कितना ही,